Going across straight to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is addressing the assembly. मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो सारी राज्य सरकारों को अच्छे बनाए बुरे बनाए बात तो करनी पड़ती है मोहल्ला क्लिनिक के. हम लोग स्कूल अच्छे करते हैं तो अच्छे करें बुरे करें सारे देश में चर्चा तो हो ही गई. हम बिजली मुफ्त करते हैं तो अब सारे देश में सारी पार्टियां जा जाके चाहे हमको कितनी भी गालियां दें लेकिन बिजली की बात तो करनी पड़ती है. हर जगह कोई 100 यूनिट कर रहा है कोई 50 यूनिट कर रहा है. अब जब हम लोगों ने रोजगार की बात करी है दिल्ली के अंदर कि हम 20 लाख रोजगार देंगे तो दूसरी पार्टियों को भी देश भर में रोजगार की बात करनी है. तो ये बजट केवल दिल्ली के नहीं पूरे देश के युवाओं को एक उम्मीद देता है कि हो तो सकता है कर तो सकते हैं अगर ईमानदारी से करें तो. ये जो इतनी चीजें हम करते हैं हम स्कूल बनाते हैं हम अस्पताल बनाते हैं हम क्यों करते हैं हम रोजगार बजट क्यों लाते हैं. ये इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा ऐसी है. कई लोग पूछते हैं मेरे से आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है. आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं. पहला कट्टर देश प्रेम. हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं. हमारा रोम रोम इस देश के लिए है. दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है कट्टर ईमानदारी. और उसी वजह से आज देश के 2 राज्यों में तो कम से कम कट्टर ईमानदार सरकारें हो गई. और तीसरा हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत. तो 3 स्तंभ हैं कट्टर देश प्रेम कट्टर ईमानदारी और इंसानियत. अध्यक्ष महोदय रेड लाइट पे जब हम रुकते हैं रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हैं कितने सालों से चला आ रहा है कि वहां पे बच्चे हम देखते हैं भीख मांग रहे हैं बच्चे भीख मांग रहे हैं. कोई बच्चा आता है हमारी खिड़की पे नॉक करता है हम अपनी खिड़की की शीशा नीचे करते हैं या तो दुत्कार देते हैं उसको 2 गाली देके भगा देते हैं. और किसी में दया हो तो वो जेब से निकाल के थोड़े से उसको पैसे दे देता है. उसको लगता है भाई मेरा काम तो हो गया पुण्य कमा लिया मैंने. कितने सालों से चला रहा है कितने सालों से चला रहा है किसी ने उनके लिए कुछ किया. कई सरकारें आई अभी तक जो किया उनके लिए वो मैं बताता हूं. कुछ सरकारों ने एंटी बैगिंग एक्ट निकाल दिया कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे. अभी तक तो यही करा कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे. क्यों? उन सरकारों में इंसानियत की कमी थी. कुछ सरकारों ने किया उनको पकड़ पकड़ के चाइल्ड होम में डाल दिया. वहां इतना बुरा हाल इतना बुरा ट्रीटमेंट वो बच्चे वहां से फिर भाग आते हैं वो फिर वहीं आके. आप ये देखो कई जगह आपने देखा होगा ये बच्चे सड़क के किनारे एक गोल चक्कर लेके और उसमें से कैसे कलाबाजी खा रहे होते हैं. उनकी बॉडी आपने देखी है कितनी फ्लेक्सिबल है. मेरे को तो लगता है अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए ओलंपिक का अवार्ड ला सकते हैं. ये हैं तो अपने देश के ही. किसी ने ध्यान नहीं दिया इन बच्चों की तरफ. हमारी पार्टी की विचारधारा है इंसानियत हमारी पार्टी की विचारधारा है देश प्रेम. इसीलिए इस बजट में हमने इन बच्चों के लिए शानदार मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर प्राइवेट भी देख लेना स्कूल सबसे शानदार स्कूल बनाएंगे. 10 करोड़ रुपए में बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे इन बच्चों के लिए. इन बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे हॉस्टल में रहेंगे ये 24 घंटे वहीं रहेंगे. इनका साइकोलॉजिकल इमोशनल सारा देखा जाएगा. उनको बेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आएंगे बेस्ट टीचर्स लेके आएंगे. और यही बच्चे देखना एक दिन आपको ओलंपिक के अवार्ड ला के दिखाएंगे. अध्यक्ष महोदय मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था. दिल में बहुत ज्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है. इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी. नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा. हमारे राजेंद्र पाल गौतम वहां से MLA हैं. कई दिनों तक मैं झुग्गियों में रहा. खुद भी एक झुग्गी लेके मैं वहीं झुग्गियों में रहता था. मैं देखना चाहता था इस देश के गरीब का दर्द क्या है.
वहां मैं देखता था कि धोबी के बच्चे, मोची के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते थे। मैं खुद भी सरकारी स्कूलों में घूमा, वहां पे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। तो थोड़े दिन तो गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसने पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। वो ड्रॉप आउट रेशियो कहते थे बहुत हाई है, बहुत हाई है ड्रॉप आउट रेशियो, फिर वो उसको काम पे लगा देते थे। तब तो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा किया तब सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका। अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम कहीं, इतनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देश के कोने में कोई बहन, कोई बेटी अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे अपने आप को बेचना पड़ा। जब मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों में उनके साथ काम करता था, तो वहां जब बीमार हो जाते थे, बगल में जीटीबी अस्पताल था, उनको कईयों को मैं लेके जाया करता था। दिल्ली चीफ मिनिस्टर देयर अनाउंसिंग अ स्कीम फॉर स्ट्रीट परफॉर्मर्स, टॉकिंग अबाउट असिस्टेंस टू चिल्ड्रन। ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट हिज रोल एज अ सोशल एक्टिविस्ट, हिज वर्क एज अ सोशल एक्टिविस्ट। वी आर गोइंग टू गेट यू मोर डिटेल्स ऑफ दैट स्टोरी इन जस्ट 2 मिनट्स।